गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। हमारा जो टेंस चल रहा है, हमारा दूसरा टेंस चल रहा था पास्ट टेंस, आज हम उसका सब टेंस पढ़ेंगे, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम हिंदी में लगातार भूतकाल कहते हैं। पहचान, पहचान क्या है? बिना पहचान के हम जो है इससे आगे नहीं जा पाते हैं, इसलिए हर उपकाल की एक अपनी पहचान होती है। तो आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि उसके नाम से ही लगता है, पास्ट अर्थात भूत और कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, तो लगातार भूतकाल। अब इसकी जो पहचान है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। फिर बात करते हैं हम नियम की, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो किस तरीके से इसको अनुवाद किया जाएगा, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव, या उसे हम एसर्टिव भी कहते हैं, तो अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, तो वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले कर्ता लेते हैं, इसके बाद हम लेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी बास और बर। अब जो बास है उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और वर का यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो हम देखेंगे कि जहाँ हमारा सब्जेक्ट एक बचन अर्थात सिंगुलर नंबर हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें बास लेना है, और जहाँ प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन करता होगा वहाँ हमें वर का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से हम जब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई उसके बाद हमें लेना है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप, और जहाँ हमने मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा उसमें हमें ING ऐड कर देना है, उसके बाद हमें कर्म लेना है, और उसके बाद जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा वहाँ हम पूर्ण विराम या इंग्लिश में जब लगाएंगे तो डॉट। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसलेशन का रूल्स है वो इस तरीके से प्रिपेयर हुआ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है बास या वर्ब, उसके बाद हमें लेना है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें ING ऐड करना है, और उसके बाद लेना है कर्ता। अगर हिंदी में उसको हम समझें तो देखेंगे कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है हमारी बास और वर्ब, फिर हमें उसमें उसके बाद लिखना है मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसमें जोड़ना है ING, फिर उसके बाद लेना है हमें कर्म। अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, बॉय क्रिकेट खेल रहा था, ही सब्जेक्ट हो गया आपका। अब चूंकि ये सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बास का यूज़ किया हमने खेलने के लिए, प्ले उसमें ING ऐड करना है, प्लेइंग हुआ, क्रिकेट हो गया। फर्स्ट एग्जांपल्स आपका कंप्लीट हुआ, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड, बच्चे बगीचे में शोर कर रहे थे। अब बच्चे सब्जेक्ट आपका जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना है चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर नंबर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज लेनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर लेनी है। उसके बाद मेक ए नॉइस, शोर करना होता है, तो ये मेकिंग ए नॉइस हो गया। फिर बचता आपका ऑब्जेक्ट बगीचे में, इन द गार्डन। इस तरीके से हमारा सेकेंड हमारा एग्जांपल्स कंप्लीट होता है, चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस इन द गार्डन। थर्ड एग्जांपल से हमारे लिए, मैं आराम कर रहा था, आई वॉज रेस्टिंग। फोर्थ है, वह संघर्ष कर रहा था। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें वास, उसके बाद संघर्ष करने को स्ट्रगल, तो यहाँ इसमें स्ट्रगल में ING ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा स्ट्रगलिंग, तो ही वास स्ट्रगलिंग। तो हमने देखा कि जो हमारा कंटिन्यूअस है, अब चाहे कंटिन्यूअस किसी का भी हो, सभी में एक चीज कॉमन रहती है, वो होता है कि जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हमेशा आपको ING ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज होती रहेगी। तो गाइज हम देखते हैं हमारा जो पास्ट टेंस का सब टेंस जो कंटिन्यूअस था उसका हमने अफर्मेटिव पार्ट देखा, वो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आई होप
यू विल लर्न ए लॉट. थैंक्स.